देखिए एमएस वर्ड के लिए सबसे पहले तो विंडो आर विन वर्ड करेंगे, विन वर्ड, विन वर्ड, डब्ल्यू आई एन विन वर्ड, ये रन कमांड में एमएस वर्ड ओपन करने का शॉर्ट फॉर्म है या उसका नाम है। तो विन वर्ड करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आएगा, बड़े कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप ऑफिशियल जॉब में, ऑफिशियल वर्क में किसी भी तरह का रिपोर्टिंग, अगर आपने सुना है कि रिपोर्ट करना है, जिसको किसी को वीकली रिपोर्ट भेज रहे हैं, मंथली रिपोर्ट भेज रहे हैं, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो ऑफिशियल वर्क में ना बहुत सारी चीज़ों को हमेशा हम टाइप करके, दिन भर आपने जो भी काम किया, जैसे हम लोग भी करते हैं, तो दिन भर जो हमने काम किया उसको रिपोर्ट में हमें भेजना पड़ता है। तो आमतौर पर डेली तो नहीं, बट डेली मेंटेन करना होता है और वीकली रिपोर्ट के तहत हमें भेजना पड़ता है पूरे हफ्ते का। तो वो कैसे करेंगे वो आपको समझना है इसमें, इसके और इसके अलावा जो अलग फीचर्स हैं, जैसे आप अगर इस पे देखें तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है, ये ऊपर वाली जो लाइन बन रही है ये वाली, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? इसके बाद वाला जो होता है ये, इस वाले को हम बोलते हैं मेन्यू बार। और जब आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो टूल्स आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टूल बार या रिबन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है जी। फिर इधर नीचे की तरफ ये वाला रूलर कहलाता है। रूलर मतलब स्केल, फुट्टा जो हम कहते हैं ना, रूलर, जिसे साइज़ पता चले। तो यहाँ पे ऊपर में भी होता है और इधर लेफ्ट साइड में भी होता है, तो टॉप पे भी है, लेफ्ट पे भी है, दोनों तरफ से आपको ये साइज़ का पता चलेगा। और ये जो वाइट एरिया है ये वर्किंग एरिया होता है, और जो ये थोड़ा सा ग्रे स्केल में आपको दिख रहा है ये मार्जिन होता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी फाइल के अंदर जब हम कोई पेज अटैच करते हैं तो वो स्टेपलर लगा होता है, या फिर वो जो पंचिंग मशीन से हम उसको पंचिंग करके फाइल में लगाते हैं, तो साइड से वो कट जाता है। सो आपका कंटेंट या आपकी रिपोर्ट ना कटे, इसलिए आपको ये फॉलो करना पड़ता है। तो ये वाला जो है ये साइज़ मेज़रमेंट, और इधर स्क्रॉलर कहेंगे इसको, स्क्रॉलर है ये। स्क्रॉलर के नीचे, इधर नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब कि कितने पेजेस हैं इसमें, कितने वर्ड अब तक इस पे लिखे गए हैं, कौन सी भाषा यूज़ हो रही है, कितने परसेंट पे है, कितने परसेंट जूम है, कितने परसेंट जूम नहीं है, मतलब ये परसेंटेज बताता है जूम का। तो ये एक ऑप्शन है। और सबसे नीचे आता है ये टास्क बार। अगर आप विंडो डी भी कर दें तो ये टास्क बार हमेशा ही ओपन रहता है, टास्क बार हमेशा ओपन रहता है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये इसका ओवरऑल एक फीचर है जो आपको आना चाहिए, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये वाला एरिया आपने देखा ही होगा, मिनिमाइज करना, यानी कि आपकी जो ये फाइल है, जो काम चल रहा है वो नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ये मिनिमाइज, और फिर वापस करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये रीस्टोर डाउन मतलब थोड़ा छोटा कर देगा, मतलब इसको आधे में या इस तरह से रीस्टोर कर देगा। फिर वापस मैक्सिमाइज कर दीजिए, वापस आ जाएगा। और ये वाला तो आपको पता ही होगा क्लोज है। इसके अलावा इधर की तरफ जो फीचर है, यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन, कमाल का बटन है ये ना। एमएस ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर पे होता है, चाहे आप एमएस वर्ड लीजिए, पावर पॉइंट ले लीजिए या एक्सेल भी, उस पे ये आपको सेम बटन होगा। जब इस पे आप क्लिक करके अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखिए न्यू मतलब नया लेना, ओपन जैसे अगर आपने कहीं फाइल रखी हुई है, पहले से सेव किया हुआ है तो उसको दोबारा ओपन कराना है तो ओपन, ये वाला एरिया। सेव आपको पता है, जिसको शॉर्टकट में कंट्रोल एस कहते हैं। सेव एज का मतलब है कि एक बार आपने काम सेव किया बट आपको नहीं पता कहाँ है वो, तो आप किसी भी तरह से, जैसे यहाँ जाके आप सर्च में यहाँ से ओपन कर लेते हैं और दोबारा से उसको कंट्रोल जो एस की जगह पे आपको करना है F12 मतलब, या यहाँ आकर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये ओवरऑल इसका मतलब ये है। प्रिंट, आपको प्रिंट देखना है, जो आपने काम किया वो प्रिंट में कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू कर क्लिक करते ही आपको प्रिंटर के लिए चला जाता है। जैसे मेरे, आप इसमें देखिए HP का लेजर जेट P1007, ये प्रिंटर का नंबर है जो इससे अटैच है। तो यहाँ से करके यहाँ पे आप कॉपी वगैरह डाल दें, कितनी कॉपी चाहिए, सारे पेजेस का चाहिए, या अभी जिस करेंटली जिस पे काम कर रहे हैं उसका चाहिए, और ओके कर देंगे तो ये प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक तो होता है यहाँ जाकर प्रिंट लेना, दूसरा होता है कुछ और भी हैं जैसे प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये ऑप्शंस तब काम करते हैं, मैं आगे आपको कवर करूँगा। फीचर्स क्लियर हो गए आप लोगों को? ठीक है।
अब आ जाते हैं इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, इसके होम मेन्यू को आज कवर करेंगे। होम मेन्यू में क्या है, देखिए यहाँ से लेकर ये अलग अलग एरियाज़ हैं टूल्स के, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल और एडिटिंग, ये एरियाज़ हैं। जब भी आप कुछ लिखते हैं, जैसे आपने रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर लिखा, तो रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर में आप इसको, ये वाला एरिया तो देख लिया आपने, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। इसके अलावा यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, कोई और फॉन्ट आपको लेना है, फॉन्ट बदलने का ऑप्शन है यहाँ से। फॉन्ट का साइज़ कितना होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप 30 बोलें तो 30 करके एंटर मारिए, 30 हो जाएगा, या फिर इससे बड़ा या इससे छोटा भी कर सकते हैं। बाई चांस आपने बहुत बड़ा कर लिया, आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे एक टूल है, इस टूल का नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस वैसा ही हो जाएगा जो आप बिल्कुल बेसिक्स में आप जैसे रहते हैं, तो ये टूल है। इसके अलावा ये वाला देखिए, कैपिटल ईच वर्ड अगर आपको करना है तो सारे कैपिटल ईच वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अपर केस बड़ा करना, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस केस मतलब किसी भी सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो बड़ा होगा। इसके अलावा लोअर केस सारे छोटे हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर, पहला कैरेक्टर बड़ा होगा। इसी तरह से टॉगल, कैपिटल ईच वर्ड, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। सो फॉन्ट वाला एरिया ये क्लियर है आप लोगों को। इसमें एक दो ऑप्शन और हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। क्या करता है, जैसे आपने कुछ लिखा या आपके पास कुछ लिखा हुआ रिपोर्ट आया, आपको कुछ उसमें करेक्शन दिख रहा है, तो आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप जिसने रिपोर्ट भेजी है उसको आप मेंशन करेंगे, भैया यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये गड़बड़ है, सही कर लो। तो आप कैसे करेंगे, आप डिलीट कर देंगे तो वो गड़बड़ी भी डिलीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टूल है, जैसे इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, आपने ऐसे कर देख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू, आप ऐसे कर सकते हैं हटाने के लिए। यहीं पे एक दो टूल और है, जैसे आप 12th लिखते हैं ना, TH, जो TH है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है, आपने देखा होगा, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही साइंस के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे H2O आपने देखा होगा, साइंस में जो ये अक्षर होता है ना, ये नीचे की तरफ भी कई बार लिखा जाता है, तो इसके लिए ये टूल है, ये नीचे कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये टूल्स हैं जो आपको एक एक करके यूज़ करने हैं। यहाँ पे आएंगे पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ से पहले मैं इसमें एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। देखिए इक्वल टू RAND करेंगे आप, और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए आपने कहा 15, कितना कहा, तो आप जैसे ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर मारेंगे तो ये देखिए 15 पैराग्राफ आ जाएंगे, इसको पूरे को पैराग्राफ बोलेंगे, ये आ जाता है। अब कंट्रोल ए आपको पता है ना, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, राइट। तो सेलेक्ट ऑल करके ये वाला देखते हैं, पैराग्राफ वाला एरिया, ये पैराग्राफ आ गए, पैराग्राफ में देखिए एंड हो रहा है ना, तो इसको जस्टिफाई कर देंगे आप। तो ये तीनों टूल समझ में आ गया। yes, इसी तरह से जैसे पैराग्राफ है, मान लीजिए आप कह रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आप यहाँ पर इसको बुलेट्स दे सकते हैं, ऐसे बुलेटिंग ये आप कर सकते हैं। बुलेटिंग के अलावा आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 ABCD कर सकते हैं, आप जैसा चाहें, इस तरह का ऑप्शन है। लेफ्ट करना, राइट करना, या लेफ्ट राइट सेंटर, और ये होता है जस्टिफाई करना। पहले आपको सेलेक्ट करना है उसको, जिसको भी आप ये करना, ये टूल देना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर आपको ये अप्लाई करना है। इसके अलावा देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ता है, जैसे ये देखिए आप उस एरिया को सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये एक टूल है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आप या तो दूर दूर ऐसे, और ज़्यादा दूर दूर लिखना है, या पास पास लिखना है, तो ये वाला टूल जो है ये क्या है, लाइन स्पेसिंग का। इसके अलावा जब हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने, हमारा जो मार्जिन एरिया है ये एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ना इंडेंट बढ़ाना पड़ता है, मतलब हम कहीं पे चाहते हैं कि हम यहाँ से ना शुरू करके थोड़ा आगे से शुरू करें, ऐसी नीड हमारी कई बार पड़ती है। तो ये दो टूल्स हैं जिसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज कम करेगा, इंक्रीज बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, खाली स्थान, यानी कि मार्जिन, जो वाइट एरिया खाली एरिया है वो बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन है ये वाला। कई बार ऐसी भी नीड पड़ती है हमारी, जैसे आप देखिए यहाँ पर कि मैं इधर कर देता हूँ ज़रा,
कि हम ना कोई नाम लिखते हैं, जैसे आपने कोई भी नाम लिखा, मान लीजिए आपने ऐसे बबलू लिखा, जाहिद लिखा, अजय लिखा, राहुल लिखा, चांदनी लिखा या यश लिखा। अब इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपको अगर बोला जाए कि उसको अल्फ़ाबेटिकल करिए, पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, देन ऐसे ही करते करते जेड वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग ऑप्शन। शॉर्टिंग में आप जाएंगे ना, शॉर्ट में, शॉर्ट टेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए इधर की तरफ आता है एक असेंडिंग ऑर्डर, एक आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। खुशी देख रहे हैं आप? और तो करके देखते हैं, जैसे असेंडिंग पे क्लिक करें और ओके करिए, देखिए पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से ऐसे आ रहा है। दूसरा अगर आप यही कर दें, यहीं पे जाकर डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें, तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा ये देख लिया आपने कि जब हम कोई भी स्पेस वगैरह देते हैं, ये जगह तो आगे बढ़ता है, बट इसके पीछे क्या टूल है या क्या निशान है वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है जी, एक और ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या था, कि हम यहाँ जाकर और शेडिंग देते हैं। तो शेडिंग क्या, हेडिंग्स वगैरह को थोड़ा हाईलाइट कर देता है, इसके लिए हम देते हैं। ये वाला टूल, जैसे कई बार हम किसी सेलेक्टेड एरिया को हम बॉक्स देना चाहते हैं, मतलब उसको बॉर्डर में घेरना चाहते हैं, तो ऑल बॉर्डर वाला ये निशान। ठीक है जी, सो अभी तक आपने पैराग्राफ ये देखा और फिर फॉन्ट वाला एरिया देखा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और करने की कोशिश करिए। होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।